चलिए, नया सेशन शुरू हुआ है और जिन अभिभावकों के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, इस रिपोर्ट से जुड़ी हुई जो परेशानी हमने अभिभावकों की दिखाई, वो ये रिपोर्ट देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि ये उनकी परेशानी है। अनिल अग्रवाल जी हमारे साथ यूपी स्कूल एसोसिएशन से जुड़ रहे हैं, प्रदीप श्रीवास्तव हमारे साथ अभिभावक जुड़ रहे हैं, अध्यक्ष अभिभावक संघ मौजूद हैं, और इसके अलावा सीमा त्यागी पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन की हमारे साथ जुड़ रही हैं। लेकिन प्रदीप श्रीवास्तव साहब, पहला सवाल आपसे, ये जो रिपोर्ट हमने दिखाई, ऐसा लगता है कि हर अभिभावक की यही कहानी है, हर अभिभावक की यही मजबूरी है और परेशानी है। नियम कायदे कानून सब बने हुए हैं, लेकिन उनका पालन क्यों नहीं हो पाता है? प्रदीप जी, देखिए, ये जो प्रॉब्लम है, ये पूरे देश की कंट्री की प्रॉब्लम है, और मैं समझता हूँ आप भी इससे ग्रस्त होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने जी बहुत ही सराहनीय और बहुत ही साहसिक निर्णय लिया और एक्ट बनाया 2018 में, है 18 में एक्ट बनाया गया, और जिलाधिकारी की अध्यक्षता में फीस कमेटी बनाई जाएगी और समस्त जिलाधिकारी फीस को तय करेंगे। 18 से लेकर आज तक किसी भी जिलाधिकारी ने फीस तय नहीं की, और उस एक्ट का उल्लंघन है। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से, समस्त अभिभावकों की ओर से सादर निवेदन है, अनुरोध है कि उस एक्ट का ईमानदारी से पालन कराएं। तो ये प्रॉब्लम जो है अभिभावकों की, जूते मोजे कापी किताब ड्रेस इत्यादि की जो मनमानी है, तानाशाही उत्पीड़न हो रहा अभिभावकों के ऊपर, वो स्वतः समाप्त हो जाएगी। ठीक है, सीमा त्यागी जी, हमें बताइए कि दरअसल बीच का सामंजस्य बनाने की आप जैसे लोगों की जिम्मेदारी है, लेकिन सामंजस्य की स्थिति हम कभी नहीं देखते हैं। पलड़ा हमेशा भारी रहता है स्कूल्स का, और पेरेंट्स जो हैं वो मजबूर हैं, स्कूल जो कहता है वो पेरेंट्स को करना पड़ता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि पलड़ा भारी हमेशा स्कूल वालों का ही रहता है, तो ये बात मुझे अपने मुंह से कहने की आवश्यकता पड़ेगी या आप समझ जाएंगे कि पलड़ा स्कूल वालों का भारी क्यों रहता है। क्योंकि पेरेंट्स बेचारा मिडिल क्लास फैमिली का है, अपनी नौकरी करता है, और स्कूल वाले जितने भी हैं, अगर आप एक सर्वे करेंगे, यूपी में ही कर लेंगे, तो 99% स्कूल के मालिकों के जो संबंध है वो सत्ता के गलियारों तक है। जी, तो जब सत्ता के गलियारों तक आपकी धनक है, आपकी पहुंच है, तो फिर तो आपकी बात ही सुनी जाएगी ना, आम पब्लिक की बात कहां सुनी जाएगी। आप देखिए कि कोविड काल में आपको पता होगा कि गाजियाबाद के अभिभावक 9 दिन की भूख हड़ताल पर बैठे रहे कि जब कोविड है और स्कूल बंद है, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, तो पूरी फीस स्कूल वाले क्यों ले रहे हैं जी। लेकिन क्या सरकार में बैठे किसी व्यक्ति ने इस बात पर ध्यान दिया? नहीं दिया। जब पेरेंट्स प्रोटेस्ट करते रहे लगातार, कुछ पेरेंट्स कोर्ट भी गए, कोर्ट ने आदेश दे दिया कि 15% फीस कोविड टाइम की करनी चाहिए। कायदे में तो 50% फीस वापस होनी थी, लेकिन चलो कोर्ट को लगा कि माननीय कोर्ट ने संज्ञान लेकर ये कहा 15% फीस वापस हो, ठीक है, कोर्ट ने आदेश दे दिया, उसके बाद तीसरी हो गई। कोर्ट हमारे यहाँ ये डिसाइड नहीं करती है आदेश देने के बाद कि उसका अनुभव भी रहा या नहीं, उसके नहीं। गवर्नमेंट के तरफ से, सीमा जी, गवर्नमेंट की तरफ से तब तो यहां तक कहा गया था कोई फीस नहीं ली जाएगी, पहले ये आदेश आया था, लेकिन बाद में फीस भी ली गई और पूरी फीस ली गई। अनिल अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल अग्रवाल जी, आप लोगों की लॉबी जो है इतनी स्ट्रांग है क्या कि गवर्नमेंट कोई नियम भी बनाए उस पर भी स्कूल फॉलो नहीं करते हैं? एनसीईआरटी की किताबों को लेकर के क्लियर गाइडलाइन है कि एनसीईआरटी की किताबें ही चलेंगी, लेकिन एनसीईआरटी की किताबों के अलावा एक्स्ट्रा जो किताबें ऐड की जाती है वो एनसीईआरटी की किताबों से 4 गुना ज्यादा महंगी होती है। यानी कि आपको 1000 रुपए में एनसीईआरटी के तमाम बेसिक्स बुक्स मिल जाएंगी, लेकिन सपोर्टिव जो बुक्स हैं उनकी कीमत 4000 रुपए होती है। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, आपने जो बात कही है, पहले नंबर तो मैं एक चीज कर दूं कि स्कूलों की सच कोई मनमानी नहीं है, और दूसरी बात जो अभी प्रदीप भाई साहब ने बताया, यूपी फी रेगुलेशन एक्ट 2018 का बकायदा बना हुआ है जिसमें फी को कैसे निर्धारित किया जाना है, 5% प्लस CPI प्लस 5 साल तक कोई भी विद्यालय अपनी यूनिफॉर्म या टाई बेल्ट डायरी मोजे जूते नहीं बदल सकता है, और इसके अलावा किसी भी अभिभावक को बाध्य नहीं कर सकता है कि वो
प्रिस्क्राइब्ड जगह से किताबें और स्टेशनरी लें, और विद्यालय के अंदर तो कदापि नहीं बेची जाएंगी, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। अगर कोई विद्यालय ऐसा कर रहा है, और ये शिकायत देखिए, मैं अगर पूरे यूपी की बात करूँ तो ज़्यादातर शिकायत जो उठती हैं वो ग्रेटर नोएडा, नोएडा गाजियाबाद, वेस्टर्न यूपी साइड के कुछ विद्यालयों में, वहाँ पे भी सब नहीं, कुछ विद्यालयों की तरफ से उठती हैं, और ये बात हर बार सबके सामने आती है, और उस वजह से सारे लोगों के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क उठता है। तो वहां पर जो जैसा प्रदीप भाई साहब ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट फी रेगुलेशन कमेटी बनी हुई है, सीधे सीधे उस स्कूल के खिलाफ कंप्लेंट होनी चाहिए, और सीधे सीधे जिलाधिकारी को सरकार को भी कंप्लेंट कर सकता है और अभिभावक संघ को भी कंप्लेंट कर सकता है। हाँ, नहीं, जो अभिभावकों में जो डर है, प्रदीप भाई साहब एक बात में बीच में, चूंकि आप जब कह रहे थे मैं नहीं बोल रहा था, उसका एक प्रोसीजर है, यदि किसी अभिभावक को कोई परेशानी है तो पहले वो अपनी शिकायत स्कूल में दर्ज कराए, 15 दिन तक अनिल जी मैं रोक रहा हूँ अपनी बिटिया के स्कूल के खिलाफ जाकर के शिकायत करता हूँ तो ऐसा बहुत ये हिम्मत सबको नहीं जुटा पाएगा। दिक्कत ये है, तो जो नियम कायदे कानून सरकार ने बनाया उसका पालन होना चाहिए सीधे तौर पर, और नहीं हो तो सरकार को एक्शन में आना चाहिए। ठीक है, तमाम मेहमान हमारे साथ बने, लौटता हूं, तमाम लोगों से बातचीत करेंगे, तमाम पक्ष हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। दरअसल प्राइवेट स्कूल जिस तरह से स्कूल सामग्री के नाम पर पेरेंट्स को ठग रहे हैं, इसके बाद यही कहा जा सकता है कि इन स्कूलों ने बच्चों के पेरेंट्स को दुधारू गाय समझ रखा है। प्राइवेट स्कूल अब मुनाफाखोरी के अड्डे बन चुके हैं, जिसमें सब्जी मंडी की तरह हर चीज बिकाऊ है, और प्राइवेट स्कूलों का एक ही मंत्र है, जितना लूट सको लूट लो। हमारी इस बात से हर वो माता पिता इत्तफाक रखते होंगे जिन्होंने अभी स्कूलों में नए सेशन की शुरुआत होने के बाद बच्चों को प्राइवेट स्कूलों की किताबों का सेट दिलवाया है। किताबों के नाम पर प्राइवेट स्कूल कैसे लूट मचाते हैं, नोएडा के निवासी मनीष कुमार इसके भुक्तभोगी हैं। मनीष के मुताबिक प्राइवेट स्कूलों ने शिक्षा के दान को बिजनेस मॉडल बना दिया है, जिसमें पढ़ाई साइड बिजनेस है और स्कूलों में किताबें बेचना मेन बिजनेस। स्कूल वाले पूरे के पूरे एमआरपी पे बेच रहे, पूरी की पूरी लूट लगा रखी है। इवन कोई नोटबुक अगर हम खरीदते हैं, कॉपी खरीदते हैं, कहीं भी बाहर के दुकान से खरीदते हैं, एमआरपी 40 रुपया होता है तो वो हमें मुश्किल से मुश्किल 35-32 रुपये में मिल जाता है, लेकिन स्कूल वाले 40 रुपये से एक पैसे भी कम नहीं कर रहे। सरकार स्कूली छात्रों को किताब कॉपियों पर सब्सिडी देती है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों ने इस अधिकार पर भी डाका डाल दिया है, बाजार से कॉपी और रजिस्टर तक नहीं ले सकते। स्कूल सामग्री विक्रेता बन चुके स्कूल हर साल किताबों की सेल लगाते हैं और लाखों रुपए की कमाई करते हैं, और अगले साल भी किताबों की दुकान लगाई जा सके इसका भी इंतजाम कर लेते हैं।